अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. इसमें बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर. ये वेक्टर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं. आर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 5 एंड आर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू 3. अब हमको मालूम है कि अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखी हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होता है. तो इनके बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल, इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल के बराबर होता है. तो ये इनका नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है n1, ये n2. इनके बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लिया, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन n1 का और n2 का मॉडुलस का प्रोडक्ट, और मॉड में वैल्यू ले ली हमने. सिंपली ये वैल्यू लगा दी, यहां पर इनका एरो ये लगना चाहिए. अब इसकी वैल्यू n1 n2, ये देखिए n1 लिया यहां से 2i प्लस 2j माइनस 3k, n2 लिया यहां से 3i माइनस 3j प्लस 5k, और हमने n1 डॉट n2 निकाल लिया क्योंकि यहां पे वैल्यू चाहिए ना n1 डॉट n2 की. और इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस 15 n1 डॉट n2 की. फिर मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस निकाल लिया हमने इन दोनों का, मॉडुलस आ गया √17 √43, और सारी वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दी. cos थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन √731 थीटा, इतना ही फाइनल आंसर आ गया. तो बड़ा आसान है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फॉर्मूला याद रखिए, सिंपली लगा दीजिए.